नमस्कार दोस्तों, फिर हाजिर है आपका दोस्त जीआर चौधरी आपके लिए राजस्थान के लोक देवताओं की चर्चा लेकर। आज हम बात करेंगे एक और लोक देवता की, और वो लोक देवता है देवनारायण जी। देवनारायण जी लोक देवता जो राजस्थान के जन जन के लोकप्रिय लोक देवता है, और खास तौर से जो गुजर जाती है उनके आराध्य देवता है। आज इनके बारे में पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सवाल देवनारायण जी से संबंधित आज तक कहाँ से पूछे गए और क्या संभावनाएं रहती है सवालों की। छोटे से वीडियो में सिंपल सी चर्चा करेंगे देवनारायण जी की। ध्यानपूर्वक समझना, देवनारायण जी की हम चर्चा करने वाले हैं, तो देवनारायण जी के बारे में आप देखना किन किन चीजों को अपने को याद रखना है, ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करना, और ये कोशिश भी करना कि देवनारायण जी के बारे में जितनी भी डिटेल है एक बार जो 10 मिनट की जो क्लास रहेगी इस क्लास में अपने को कंप्लीट अपने को याद हो जाए। तो देखो, पहले सारे लोक देवताओं का एक सामान्य सा परिचय हम पढ़ते हैं, तो सामान्य परिचय की मैं बात करूं, सामान्य परिचय, फैमिली बैकग्राउंड की बात करूं, तो उनके उनका जो जन्म है, देवनारायण का जन्म जो है वो 1243 ईस्वी में हुआ था। 1243 में एक जगह पड़ती है, जन्म की मैं बात कर रहा था, 1243 ईस्वी में जगह पड़ती है एक आसिंद भीलवाड़ा, तो वहां इनका जन्म हुआ, और यहीं इनका भव्य मंदिर बना हुआ है और एक मेला लगता है आसिंद भीलवाड़ा में। इनके पिता का नाम की मैं बात करूं तो पिता थे सवाई भोज, सवाई भोज ये इनका, इनके पिता थे बगड़ावत, गुजर थे बगड़ावत, तो इनके बारे में अपने को याद रखना बगड़ावत, बगड़ावत आपको याद रखने वाली बात है। इनकी मां का नाम की बात करूं तो माता जी जो थी वो थी शेडू, माता सेडू, और पत्नी का नाम जो था वो था पीपल दे, पीपल दे। तो माता पिता की बात करूं तो पिता का नाम सवाई भोज, मां का नाम सेडू, और पत्नी का नाम था पीपल दे। ये तो हुई सामान्य से परिचय की बात, लेकिन जहां से मैं कहूं कि सवाल ज्यादातर आते हैं तो इनके उपनामों की मैं बात करूं तो वो आपको याद रखना है उपनाम। जहां मैं आपको कहूं कि याद रखना है तो इनको विष्णु का अवतार माना जाता है, पहली बात अवतार माना जाता है, और साथ में ही ये मतलब ज्यादातर राजस्थान के लोक देवता दो चीजों में प्रसिद्ध थे, या तो गौरक्षक देवता थे, या फिर जैसे अभी वर्तमान में मैं कहता हूं कि अभी वर्तमान में जैसे अलग अलग डॉक्टर होते हैं, भाई ये कान का डॉक्टर है, ये आपके सर्जन है, ये शिशु रोग विशेषज्ञ है, ये स्त्री रोग विशेषज्ञ, वैसे ही उस समय के जो लोक देवता थे वो भी स्पेशलिस्ट होते थे डॉक्टर। तो ये भी एक डॉक्टर थे, और इनको उपनाम कहे तो आयुर्वेद के, आयुर्वेद के जानकार थे, मतलब चिकित्सा के जानकार थे। और एक और महत्वपूर्ण बात कि यह राज्य क्रांति के जनक थे। आपसे पूछा जाए कि भाई राजस्थान का ऐसा कौन सा देवता है जिनको राज्य क्रांति का जनक माना जाता है, तो आपको डेफिनेट उत्तर भरना है देवनारायण जी। तो उपनामों को आप थोड़ा विशेष ध्यान रख लेना, यहां से सवाल आए हुए हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण दो बातें आपको मैं बताता हूं, पहली बात और दूसरी बात जो अभी आपको क्लास में ही आपको याद रखनी है। पहली बात ध्यान में रखना कि देवनारायण जी एक ऐसे लोक देवता है जिनको प्रसाद के रूप में क्या चढ़ाया जाता है, नीम के पत्ते। एकमात्र लोक देवता है राजस्थान के जिनको प्रसाद में नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। तो पहले आपको नीम के पत्ते आपको याद रखना, नीम के पत्ते पहली बात जो याद रखने वाली बात है, नीम के पत्ते प्रसाद ये होता है, पहली बात। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, इनमें मूर्ति की जगह किसकी पूजा होती है, ईंट की पूजा होती है, ईंट रखी हुई होती है, पर्टिकुलर मूर्ति नहीं होती, तस्वीरें होती है देवनारायण जी भगवान की, लेकिन मूर्ति की जगह ईंट की पूजा होती है। एक और जो महत्वपूर्ण बात है वो जो इसकी फड़ है, देवनारायण जी की जो फड़ है वो सबसे लंबी फड़ है,
सबसे बड़ी जो फड़ होती है, सबसे लंबी जो फड़ होती है, सबसे लंबी फड़ या सबसे बड़ी फड़ कह दूं तो वो किसकी है? देवनारायण जी की। और इस फड़ को जब बांसते हैं, वो बांसते हैं, तो उसमें एक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है और उस वाद्य यंत्र का नाम है जंतर। जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग। तो तीन मोस्ट इंपोर्टेंट बातें हैं अपने को याद रखने। पहली मोस्ट बात उपनाम की याद रखनी है, और दूसरी है इनके लिए तीन जो महत्वपूर्ण बातें थी वो। अब देखो और एक महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है, देवनारायण जी को यदि आपने पढ़ा है तो देवनारायण जी को पढ़ते वक्त इनके जो मंदिर है, इनके जो मंदिर है देवनारायण जी के, मंदिर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मंदिर जो है बहुत महत्वपूर्ण है। देखो पहला मंदिर की हमने चर्चा की थी, आसिंद भीलवाड़ा में पड़ता है, ठीक है, मुख्य मंदिर है आसिंद भीलवाड़ा, ये आपको याद है। लेकिन इसके अलावा मैं तीन मंदिरों की चर्चा करूंगा और वहां से सैकड़ों बार सवाल पूछे गए। पहला है, देखो, एक है देवमाली, देवमाली, एक है देवधाम, देवधाम, और एक है देवडूंगरी, देवडूंगरी। इनको अभी क्लास में कंठस्थ कर लो, क्योंकि मोस्ट में सबसे मोस्ट जो बातें हैं, देखो देवमाली जो है वो है ब्यावर अजमेर में, याद कर लेना अभी, क्योंकि यहीं से आप देखोगे तो सवाल यहीं से आए हुए। दूसरा देवधाम है वो जोधपुरिया, जोधपुरिया जगह पड़ती है टोंक में, तो वहां है। और तीसरा है देवडूंगरी, और ये चित्तौड़गढ़ में, देवडूंगरी जो है वो चित्तौड़गढ़ में। तो ये मैं कहूं देवनारायण के जो आपको जितने भी चीजें आपको पढ़नी है, तो इनमें जो सारे ये मंदिर है, ये मंदिर सबसे महत्वपूर्ण है। और ये जो देवडूंगरी की बात कर रहा था, तो ये जो देवनारायण जी थे वो राणा सांगा के भी आराध्य थे, इसलिए ये देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ में, तो राणा सांगा से संबंधित थे, ये राणा सांगा के आराध्य थे, राणा सांगा के आराध्य थे। तो गुजर जाति के आराध्य देव देवनारायण के बारे में यदि आपको पढ़ना है, तो बस ये आपके सामने से छोटी सी जानकारी, इतनी सी। और इसी में से यदि देवनारायण से संबंधित सवाल पूछा जाएगा तो इसी में से सवाल पूछा जाएगा, देखना पीछे के एग्जामों में भी यही है और आगे आएगा एग्जाम, तो बस चार लाइनों में आपको नोट्स बनाने हैं, तो चार लाइनों में आपको बनाने हैं। एक और छोटे से चलते चलते देवता की बात कर लेते हैं जो इनसे संबंधित है, और वो देवता है देव बाबा। देवनारायण की चर्चा की, देव बाबा की थोड़ी सी चर्चा आप कर लो, क्योंकि दोनों मिलते जुलते देवता है, तो देव बाबा के बारे में हम पढ़ लेते। देव बाबा जो है वो भरतपुर में एक जगह है, मुख्य मंदिर जो है वो नंगला जहाज है, नंगला जहाज एक जगह है, नंगला जहाज कहां पड़ती है? भरतपुर में पड़ती है, और वहां इनका मुख्य मंदिर है भरतपुर में। नंगला जहाज एक जगह है, भरतपुर में है, और यहां आप देखोगे तो दो मेले भरते हैं, एक भाद्र शुक्ल पंचमी को, और एक मेला भरता है चैत्र शुक्ल पंचमी को। तो वर्ष में दो मेले पड़ते हैं, ये याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो आपको मैं याद दिलवाने की बात कर रहा हूं, पहली बात मोस्ट चीज अपने को देव बाबा के बारे में याद रखनी पड़े, और दूसरी बात है इनका उपनाम जो है ये ग्वालों के देवता है, ग्वालों के देवता। वैसे गुजर जाति भी इनको पूजती है, लेकिन ग्वालों के देवता के रूप में इनको पूजा जाता है। और जब इनके ये मेले भरते हैं, नंगला जहाज का जो मेला भरता है दो साल में दो बार, तो इन दोनों मेलों में जैसे आपने देखा होगा नवरात्रों में छोटी कन्याओं को जिमाते हैं, वैसे ही जब नंगला जहाज का जो मेला भरता है, इसमें आस पड़ोस के ग्वाले जो है, उन वन क्षेत्रों में जो ग्वाले होते हैं, उन ग्वालों को
बुलाते हैं और उनको जिमाते हैं, इसलिए ये ग्वालों के देवता है और साथ साथ कष्ट निवारक देवता है। सारे के देवताओं की तरह ये भी क्या है, कष्ट निवारक देवता। तो कष्ट निवारक देवता तो कोई पर्टिकुलर, सारे देवता है कष्ट निवारक है, कोई ना कोई कष्ट तो निवारक होते ही है, लेकिन ग्वालों के देवता पूछा जाए तो सीधा देव बाबा। नंगला जहाज मंदिर, देव बाबा का मंदिर कहाँ है, तो नंगला जहाज आपको उत्तर आना चाहिए और ये भरतपुर में है और इसको आपको याद रखना है। तो पहली मोस्ट चीज और दूसरी मोस्ट चीज, दो चीजें अपने को अभी क्लास में याद रख लेना है, बाकी देव के बारे में सारी डिटेल आपके पास है। छोटे छोटे दो जानकारियां और यहां से यदि एक सवाल आता है तो सिंपल सी कहानी देवनारायण और देव बाबा के बारे में हमने प्राप्त की। वीडियो कैसा लगा? राजस्थान के लोक देवता, राजस्थान के लोक देवियां, आर्ट एंड कल्चर से जुड़े हुए हर एक बिंदु पर छोटी छोटी क्लासों में हम चर्चा करेंगे, साथ आपका सहयोग मिलना चाहिए और साथ में ये इस प्रकार यदि धीरे धीरे हम कंप्लीट करते जाएंगे तो एक दिन आपको आर्ट एंड कल्चर या राजस्थान के जीके के प्रकांड पंडित की तरह आप एग्जाम में बैठोगे, निश्चित तौर से आपको सफलता मिलेगी। कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा, नए वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।